वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज मैं समर मेकअप लुक करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग गुड वाइब्स क्रीम। इसको समर में अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें इसको लगाने से ना फेस पर ज़्यादा ऑयल नहीं आता और एक अच्छा सा मेकअप बेस बन जाता है। देन आई एम यूजिंग MN क्रीम। इसको मैं ना डॉट डॉट कर फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। गाइस आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ये 5 मिनट बाद इसका कलर और मेरे फेस का कलर सेम हो जाएगा, ज़्यादा वाइट नहीं लगेगा। अब मैं आईब्रो पेंसिल ली है मैंने ब्राउन कलर की, इससे मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। गाइस ऐसा होता है कि आप जब तक अपनी आईब्रो फिल ना करो तब तक एक अच्छा सा लुक नहीं आता। एकदम ऐसा लगता है कि आपने मेकअप नहीं किया हो या बिल्कुल अच्छा सा प्रिटी लुक नहीं आता। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट फिल आईब्रो। देन आई एम अप्लाइंग कंसीलर। कंसीलर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। यू कैन सी मैंने अब ब्राउन कलर लिया है। ये मेरे पास मैट में पैलेट है तो मैंने ब्राउन कलर लगा लिया क्योंकि मुझे ना समर मेकअप लुक करना है तो मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना था अपना मेकअप। अब गाइस मैं आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर ज़्यादा मैं मोटा नहीं लगाऊँगी, तो आप देख सकते हो कि मैंने आईलाइनर ज़्यादा मोटा नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ना मोटा लाइनर नहीं लगाना था इस मेकअप में। नाउ आई एम टेक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को मैं आईलाइनर के ऊपर लगा लूँगी। स्मच कर मैं इसको लगा लूँगी। इसको मैं ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊँगी, ये ना इतना लगाऊँगी मैं कि ये अच्छे से स्मच हो जाए मेरा आईलाइनर और एक अच्छा सा प्रिटी लुक दे। गाइस अब मैंने काजल लिया है। काजल को मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर कर मेकअप कर रही हूँ तो मैं काजल को स्किप नहीं कर सकती। गाइस अब मैंने ना ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर को मैं ना स्मच कर लूँगी अपनी काजल पर ताकि मेरा काजल बहे ना, क्योंकि इस गर्मियों में ऐसा होता है ना कि आपका काजल कुछ टाइम ही बह जाता है। गाइस अब मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं अपना मेकअप सेट कर लूँगी ताकि मुझे पसीना ना आए, क्योंकि गर्मियों में आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता है, उससे मेकअप ख़राब जाता है आपका। गाइस अब मैं लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये मैट लिपस्टिक है। इसको मैंने अपने फेस पर डॉट डॉट कर लगा लिया है। गाइस ना मैंने इसको लगा तो लिया पर ये ना ब्लेंड इजीली नहीं हो रही क्योंकि मुझे इसे ना टाइम लगा ब्लेंड करने में। गाइस मैंने यहाँ पर एक न्यूड लिपस्टिक ली है क्योंकि समर में ना न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और मुझे ना जिस टाइप का मैं मेकअप कर रही हूँ तो उसमें न्यूड लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी। पता है मैं ना यहाँ पर ना आईलैशेस लगाना भूल गई थी। मुझे एकदम याद आया कि ओ भाई मैंने तो आईलैशेस लगाया ही नहीं है। फिर मैंने एकदम आईलैशेस अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है मेरी आँखें अब। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताओ कि आपको ये मेकअप कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम आप किस टाइप का मेकअप चाहते हो कि मैं किस टाइप का मेकअप क्रिएट करूं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।